हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास टेंथ, जो कि हमारा सोशल साइंस में सब्जेक्ट है हमारा भूगोल। ज्योग्राफी में हम आज 7 लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, 2 नंबर का सवाल, बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा जाता है, तो आज की ये वीडियो आप मिस मत करना, ठीक है, अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो यार वीडियो को अंत तक देखो। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस अपलोड है और क्लास टेंथ के लिए, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गेस क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा, बस टाइम आने दो, सब क्लियर होगा। ठीक है, इससे पहले सामाजिक विज्ञान का 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया हूं। अगर आप सामाजिक विज्ञान का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप सारा वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप साइंस का यानी कि विज्ञान का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हो, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख लेना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का लाइक रखते हैं हम 500 लाइक का, तो आप लोग 500 लाइक पहुंचा देना। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हो तो यार प्लीज लाइक कर देना। चलो ठीक है, पहला नंबर सवाल कहता है हमारा, जल संसाधन के क्या उपयोग है, जल संसाधन का जो उपयोग है वह आपको बताना है। तो उत्तर है, जल संसाधन के मुख्य उपयोग निम्नलिखित है, तो कुछ संसाधन मैंने लिखा हूं, तो मैं आपको पढ़कर बताता हूं। पहला उपयोग है पेयजल एवं घरेलू कार्य में। ठीक है, यानी कि पेयजल एवं घरेलू कार्य में जल संसाधन का उपयोग होता है। और दूसरा है सिंचाई में, तीसरा कारखानों में, चौथा है जल विद्युत उत्पादन तथा परमाणु संयंत्र के शीतलन में, और चौथा हमारा यानी पांचवा है मत्स्य पालन वानिकी इत्यादि में। तो ये जो 5 जो है उपयोग, ये जल संसाधन का है। ठीक है, तो काफी शॉर्ट में है, आपको याद करना है जी, 2 नंबर तो आपका आराम से मिलेगा, काफी शॉर्ट से है। इसका उपयोग क्या है, ठीक है, जैसे देखो पेयजल एवं घरेलू कार्य में जल संसाधन का उपयोग किया जाता है, सिंचाई में यानी खेती वगैरह करने में भी इसका उपयोग करेंगे हम, कारखाना में भी इसका उपयोग करेंगे, ठीक है, और जल विद्युत उत्पादन तथा परमाणु संयंत्र के शीतलन में भी इसका उपयोग करेंगे, मत्स्य पालन वानिकी इत्यादि में भी हम जल संसाधन का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2, समझ में आ रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है नदी घाटी परियोजनाओं के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। देखो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं सारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं और पीछे साल पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, तो नदी घाटी परियोजनाओं के मुख्य उद्देश्य को लिखें। उत्तर में है, नदी घाटी परियोजनाओं के कई उद्देश्य है, जैसे बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, पेय एवं सिंचाई हेतु जलापूर्ति, विद्युत उत्पादन, उद्योगों को जलापूर्ति, परिवहन, मनोरंजन, वन्य जीव संरक्षण, मत्स्य पालन, जन कृषि प्रयत्न आदि, ये सब जो है नदी घाटी परियोजनाओं का उद्देश्य है। ठीक है, तो उद्देश्य में आपको करना है क्या, जिस जो जो उद्देश्य है वो आपको भरना है। ठीक है, यानी कि ये नदी घाटी का जो उद्देश्य है वो आपको भरना है। तो देखो, नदी घाटी परियोजनाओं के कई उद्देश्य निम्नलिखित है, तो यहाँ पर लिखने के बाद देना आपको बाढ़ नियंत्रण भी एक उद्देश्य है, यानी कि बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, ये भी एक उद्देश्य हो गया। ठीक है, नदी घाटी का। उसके बाद पेय एवं सिंचाई हेतु जलापूर्ति, और उसके बाद विद्युत उत्पादन, उद्योगों की जलापूर्ति, परिवहन, मनोरंजन और वन्य जीव संरक्षण, मत्स्य पालन और जल कृषि प्रयत्न आदि, ये सभी जो है नदी घाटी परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 की ओर बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं, जल संचारण के कुछ उपाय लिखे। ठीक है, जल संचारण के कुछ उपाय लिखना है। देखो 3 नंबर सवाल और 1 नंबर सवाल दोनों मैच करता है, लेकिन उतना मैच नहीं करता, दोनों सवाल में डिफरेंट है। ठीक है, दोनों सवाल अलग है। देखो यहाँ पर कहता है कि जल संसाधन के क्या उपयोग है। ठीक है, यानी कि जल संसाधन का कहाँ कहाँ उपयोग होता है ये आपको दिखना है। और यहाँ है जल संसाधन है और यहाँ जल संचारण है ना, मेन आपको यहाँ पर अंतर मिल गया होगा, यहाँ संसाधन है, यहाँ संचारण है। तो चलते इसको समझते हैं, जल संचारण के कुछ उपयोग लिखें। तो उत्तर में है, जल संचारण के उपयोग निम्नलिखित है,
पहला है जी वर्षा जल संचय की विधि को अपनाना, दूसरा है शुद्ध जल को दुरुपयोग को रोकना, तीसरा है जलाशयों का निर्माण कर जल एकत्र करना, चौथा है भूमिगत जल के उपयोग हेतु कानून बनाना। तो ये चार उपयोग जो है जल संचारण के लिए, ठीक है, यानी कि जल संचारण का क्या क्या उपाय है वो आपको लिखना है, जो कि वर्षा जल संचय एवं विधि को अपनाना ये भी एक उपाय है जल संचारण का, दूसरा है शुद्ध जल को दुरुपयोग को रोकना, ये भी एक उपाय है, ठीक है। और अगला जो हमारा कहता है जी, देखो जलाशयों का निर्माण कर एकत्र यानी कि जल एकत्र करना, उसके बाद भूमिगत जल के उपयोग हेतु कानून बनाना। देखो हमसे हम तो कुछ आपको समझा देंगे, लेकिन अगर आप पीडीएफ लेकर इसको अपने से याद करोगे तो वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन मैं टेलीग्राम में भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, वो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, कोयले के विभिन्न प्रकार के नाम लिखे। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में भी काफी बार पूछे जा चुके हैं और आज हम इसको डिस्कस करेंगे जी। तो कोयले के विभिन्न प्रकार को हम पहले डिस्कस करते हैं। उत्तर में है कोयले के मुख्य 4 प्रकार होते हैं, ठीक है, कोयला जो है कुल 4 प्रकार के होते हैं, जो कि पहला है एंथ्रासाइट, दूसरा है लिग्नाइट, तीसरा बिटुमिनस, चौथा है पीट। तो ये चारों प्रकार जो है कोयला का है, तो याद रखना है। ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ देगा सवाल कि निम्नलिखित में से कौन कोयले का प्रकार है, ऑप्शन दे देगा, तो चारों ऑप्शन में से एक ना एक देगा जो कि हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो याद कीजिएगा एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट, ये सब जो है कोयले के प्रकार है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट, 5 नंबर सवाल है जो कि आपको स्क्रीन पर साफ दिख रहा होगा, ठीक है, ये मत देखना ऊपर में जो है ना वो मत देखना। क्वेश्चन नंबर 5 ये देखो, ठीक है, क्वेश्चन कहता है 5, किन्हीं 4 तेल शोधक कारखानों का स्थान बताएं, यानी कि कहां कहां तेल शोधक का कारखाना है आपको स्थान बताना है। तो उत्तर में है तेल शोधक कारखानों का नाम है, पहला है मथुरा जो है कारखाना है जो कि उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 शोधक कारखाना के नाम बताना है और कहाँ कहाँ उसका स्थान भी। तो मथुरा जो कि उत्तर प्रदेश में है, दूसरा बरौनी वो भी बिहार में है, तीसरा जामनगर जो कि हमारा गुजरात में है, और चौथा है गुवाहाटी वो असम में, ठीक है। तो कहाँ किस स्थान पर तेल शोधक कारखाना है सब मैंने बताया, तो 4 ही लिखोगे, 2 नंबर का सवाल है, शॉर्ट में लिखना है, ठीक है, 4 ही लिखना काफी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर देखो 6, लाइक करने में कंजूसी मत करना, ठीक है, टारगेट रखे हैं आपका 500 लाइक का, ठीक है, क्लियर कर देना 500 लाइक, जितने भी लोग लाइव देख रहे हो, ठीक है, और लाइव के बाद भी देखते हो तो वो भी लाइक करो। 6 नंबर सवाल कहता है, जल विद्युत उत्पादन के कौन कौन से प्रमुख कारक है, यानी कि पहले तो आपको समझना है कि जल विद्युत उत्पादन कहां से कैसे उत्पन्न होता है और इसका प्रमुख कारक बताना है, ठीक है। तो समझते हैं पहले उत्तर को, जल विद्युत प्रवाही जल से हाइड्रो टर्बाइन चलाकर उत्पन्न किया जाता है। देखो जल विद्युत प्रवाहित जो है वह जल हाइड्रो टर्बाइन चलाकर जल को उत्पन्न किया जाता है। तेज बहते जल से जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है। जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदियों के जल को बहुत तेजी से ऊंचाई से गिराया जाता है, जो कि भारत में अनेक बहु उद्देश्य परियोजनाओं है जो विद्युत उत्पन्न करती है, जैसे भाखड़ा नंगल, दामोदर घाटी कारपोरेशन और कोपीली हाइड्रल परियोजना आदि। तो आप देखो इसको मैं समझाऊंगा आपको, आई होप कि आप समझ नहीं पाए होंगे, ये क्वेश्चन सिंपल है, हार्ड नहीं है, ठीक है, समझने पर सब आसान हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है जल विद्युत उत्पादन, ठीक है, तो देखो पहले हम अपने दिमाग से समझाते हैं, आंसर को छोड़ो, ठीक है, आंसर को छोड़ो। जल विद्युत उत्पादन, पहले तो समझो जल जो है यानी कि जल से विद्युत कैसे उत्पन्न होता है। जल से विद्युत इस प्रकार उत्पन्न होता है, अगर जल जहां पर तेज जाएगा, जल की रफ्तार तेजी रहेगा बहने में, तो वहां से अगर बिजली को उत्पन्न करेगा तो बहुत सारे बिजली उससे उत्पन्न होती है। मतलब एक तरह से समझो कि अगर बिजली उत्पन्न कर रहे हैं तो बहती रफ्तार से बिजली उत्पन्न होती है, जो कि यहाँ पर दिया गया है जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदियों के जल को बहुत तेजी से ऊंचाई से गिराया जाता है, ठीक है, नदी या समुद्र के जल को बहुत ही तेजी से ऊंचाई से गिराया जाता है, जो कि भार मतलब तेजी से गिराया जाता है, और जो तेजी से गिरता है ना उसी से
विद्युत उत्पन्न करती है, ठीक है, जो कि हमारा देखो जैसे हमारा जो भारत में जो परियोजना है जिससे विद्युत उत्पन्न करती है, भाखड़ा नंगल है, दामोदर घाटी है, कारपोरेशन है और कोपिली हाइड्रल परियोजना है, ठीक है। तो दो दो परियोजना लिखना है, काफी आसान है। चलो लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, खनिज क्या है जी, ठीक है, इसको समझते हैं। खनिज क्या है इसको समझे आप लोग, इसको हार्ड नहीं है, एक बार और समझाते हैं, ठीक है, शायद आप लोग नहीं समझोगे। देखो जल विद्युत प्रवाही जल से हाइड्रो टर्बाइन चलाकर उत्पन्न किया जाता है, ठीक है, जल से हाइड्रो टर्बाइन चलाकर उत्पन्न किया जाता है विद्युत को। तेज बहते जल से जल विद्युत उत्पन्न किया जाता है, यानी कि जब पानी की रफ्तार तेज होगी तो उससे विद्युत ज्यादा उत्पन्न होगा, ठीक है। जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदी के जल को बहुत तेजी से ऊंचाई से गिराया जाता है, जब तेजी से गिरेगा पानी का रफ्तार बढ़ेगा तो उससे बिजली ज्यादा उत्पन्न होगा, ठीक है। भारत में अनेक बहुउद्देश्य परियोजनाएं जो है उत्पन्न करती है जो बिजली यानी विद्युत, जैसे भाखड़ा नंगल, दामोदर घाटी कारपोरेशन, कपिली हाइड्रल परियोजना, ये सभी जो है विद्युत उत्पादन करती है और इसका यही प्रमुख कारक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं जी, अब देखते हैं खनिज क्या है, ठीक है, समझो खनिज क्या है। तो खनिज निश्चित अनुपात में रासायनिक एवं भौतिक विशिष्टताओं के साथ निर्मित एक प्राकृतिक पदार्थ है। हमारा स्थल मंडल चट्टानों से बना है, जहां चट्टान खनिजों के संयोग से बनी है। अब तक 2000 से अधिक खनिजों की पहचान हो चुकी है, जिसमें केवल 30 खनिज ही आर्थिक दृष्टि से विशिष्ट महत्व रखती है। तो इसको समझना है खनिज क्या है जी। तो देखो पहले तो खनिज निश्चित अनुपात में एक रासायनिक और भौतिक विशिष्टताओं के एक निर्मित एक प्राकृतिक पदार्थ है, ठीक है, रासायनिक भौतिक विशिष्टताओं का एक प्राकृतिक पदार्थ है, जो कि हमारा स्थल मंडल जो है वह चट्टानों से बना है, ठीक है। हमारा स्थल मंडल जो है वह किस चीज से बना है, तो चट्टानों से बना है, जहां चट्टान खनिजों के संयोग से बनी होती है। चट्टान जो है वह खनिजों के संयोग से बनी होती है, और जो कि अब तक जो है 2000 से अधिक खनिजों की पहचान हो चुकी है, जिसमें कि 30 खनिज जो है वह काफी महत्व है, ठीक है, दृष्टि से वह काफी महत्व रखती है। तो इतने ही है खनिज क्या है, बस इसको याद करना है जी। PDF मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देता हूं, तो जिस लोग को समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताना। ये था ज्योग्राफी का 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 नंबर का सवाल है, मैं लिख देता हूं, ठीक है, 2 मार्क्स। अगर मैं आपको समझाने में सक्षम हुआ तो लाइक करना, अगर नहीं समझाने में सक्षम हुआ तो डिसलाइक करना, लेकिन डिसलाइक करने का वजह भी कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। ओके अंत करता हूं वीडियो। टेलीग्राम में जो ऐड नहीं हुए तो टेलीग्राम में जुड़ने का तरीका, फर्स्ट ऑफ ऑल करना है क्या, प्ले स्टोर से टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है, प्ले स्टोर आपके मोबाइल में अवेलेबल होगा, टेलीग्राम को डाउनलोड करना है। बट उसके बाद डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कीजिएगा, तो ओपन जब कीजिएगा ना तो आपको वहां पर नंबर मांगेगा, तो आप अपना नंबर को दीजिएगा, नंबर देने के बाद वहां से कोड आएगा, ठीक है, तो कोड देने के बाद उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जी करना क्या, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा ग्रुप का, तो आप जैसे लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आप जो है यानी कि आपको अपने आप ग्रुप में लेकर चल जाएगा, जिससे कि आप ग्रुप में अपने आप जो है ज्वाइन हो जाओगे। तो पहले आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करने के बाद ओपन कर लेना है, ठीक है, उसके बाद लिंक पर क्लिक करोगे तब आपको ग्रुप में लेकर जाएगा। तो PDF मैं आपके टेलीग्राम में सेंड करता हूँ, और वीडियो आप रेगुलर आएगी, ठीक है, आप लोगों का चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो न्यू हो। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू, बाय।